हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता वानखेड़े। वेलकम टू माय चैनल यज्ञेशा कोचिंग क्लासेस। आज हम नवोदय एंट्रांस टेस्ट सेकंड सेक्शन अर्थमैटिक, इसमें हम चैप्टर नंबर 12 है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका 12.3 असाइनमेंट आज हम सॉल्व करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ 270 इज 72.90, यानी 270 का 72.90 कितने परसेंट है, हमें इनका परसेंटेज निकालना है। तो जैसा कि हम हमेशा जब भी हमें कुछ कोई एग्ज़ाम देते तो जो मार्क्स होते हैं वो हम कैसे लिखते हैं कि जैसे 100 में से हमें इतने मिले, है ना, तो वैसे ही 270 में से कितने 72.90, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। 270 पे 72.90 का परसेंट, तो इसे निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें से ये जो 100 रहेगा ये अलग हो जाएगा, इसकी जगह पर हम परसेंट का साइन लगाएंगे। तो देखिए, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 72.90/270, मल्टीप्लाई में ये 100 है और मल्टीप्लाई में ये 1/100 मैंने अलग कर दिया, इसका कुछ काम नहीं है, इसकी जगह पर हम परसेंट का साइन लगाएंगे। या फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इन दोनों में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे परसेंट निकालने के लिए, और फिर साइन अपने आप वहाँ पर हम लगा देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब इन्हें सॉल्व करना है, तो ये 0 से ये 0 हो गया कट, यहाँ पर बचा 72.90 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन ये 27, और यहाँ पर ही अपना परसेंट का साइन, इसकी जगह पर परसेंट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 729 / ये 27 है और ये परसेंट का साइन, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27%, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बाय व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई अ नंबर टू गेट 0.12% ऑफ दैट नंबर, यानी किसी नंबर में हम किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें इन संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका हमारा वही है, परसेंट की जगह पर हम लिखेंगे 1/100, इस तरीके से आ गया। अब मुझे 100 के ये दो जीरो हटाने हैं, इसीलिए मैं ये डॉट को और दो डिजिट पहले ले आऊँगी। तो एक डिजिट तो यहाँ पर है, पर एक और चाहिए, तो सो मैंने यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये डॉट आ गया दो डिजिट के पहले, मतलब हमारा ऑप्शन आ गया 0.0012, मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 100% ऑफ 1 एंड 1% ऑफ 100 इज इक्वल टू, यानी हमें 100% ऑफ 1 निकालना है, 100% यानी पूरा, तो 1 का पूरा हिस्सा ले लिया तो 1 ही आएगा, और 1% ऑफ 100 और 100 का 1%, तो 100 का 1% एक ही होता है, क्योंकि परसेंट भी हम 100 में से ही निकालते हैं, तो इन दोनों का आंसर 2 आएगा, पर फिर भी हम सॉल्व करेंगे ताकि कन्फर्म हो जाए। आप ओरली भी समझ चुके होंगे 100% यानी पूरी संख्या, तो इसका 100% तो हम सॉल्व करते हैं, 1/100 आ गया, और ये 1 है तो ये 100 से 100 कट, बचा कितना यहाँ पर 1, उसी प्रकार यहाँ पर 1% की जगह पर 1/100 और मल्टीप्लाई में ये 100 है, तो 100 से 100 कट, बचा कितना 1 × 1 = 1, तो 1 + 1 = 2, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच इज 40% ऑफ 20%, 20% का 40% कितना होता है, तो सॉल्व करते हैं, जैसे दिया है वैसे ही लिख दीजिए 40% ऑफ 20%, परसेंट की वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। 40% की यहाँ पर वैल्यू है 1/100 मल्टीप्लाई ये 20% की वैल्यू 1/100, अब इसे सॉल्व करेंगे
ये जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट। अब बचा कितना, देखिए ऊपर फोर मल्टीप्लाई टू, और यहाँ पर बचा ये टेन, टेन जा हंड्रेड। तो ये आ गया हमारा एट अपॉन हंड्रेड। अब यहाँ पर देखिए हमें इस परसेंट को हटाना नहीं है, तो मैं इस वन अपॉन हंड्रेड की जगह पर मैं लिख दूंगी परसेंट का साइन, तो मतलब 8% हमारा आंसर आएगा। या एक और तरीके से आप कर सकते कि इसको वैसे ही रहने दीजिए, 40% ऑफ 20% निकालना है, तो इस परसेंट को वैसे ही रखिए क्योंकि इसका हमें 40% निकालना है। तो 40 मल्टीप्लाई वन अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई 20, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट, 4 2 8 आ गया मत, और ये परसेंट यानी कि 8% हमारा आंसर है, ऑप्शन ए सही है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 0.635, यानी इन चारों में से कौन सा इसके इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, हम अगर चारों को सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और इनको सॉल्व भी हम कैसे करेंगे, परसेंट की जगह पर वन अपॉन हंड्रेड, मतलब कि हंड्रेड से डिवाइड करेंगे, है ना। इनको सॉल्व करेंगे तो हंड्रेड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर हमको ये आंसर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा इसी को सॉल्व करते हैं ना, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हंड्रेड से डिवाइड किया ना, तो हम इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई हंड्रेड। तो अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऐसा आंसर आता है हमारा, और डॉट जो है थ्री डिजिट के पहले है, तो 1 2 3 डिजिट के पहले डॉट, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 63.500। अब इसमें हमारा आंसर कहाँ पर है, ये देखिए बी है, इस प्रकार सॉल्व हो गया। यानी चारों के साथ आप जो करने वाले थे उसका उल्टा ऊपर वाले के साथ कर दीजिए, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच इज 0.01% ऑफ 25,000। 25,000 का हमें 0.0% निकालना है, 0.01% निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 0.01% ऑफ 25,000, और अभी से सॉल्व करेंगे तो 0.01 मल्टीप्लाई परसेंट की जगह पर 1/100 मल्टीप्लाई में ये 25,000, तो ये दो ज़ीरो, ये दो ज़ीरो कट हो गए। अब बचा हमारे पास में 0.01 मल्टीप्लाई 250, मल्टीप्लाई कर देंगे 250 आएगा, 251 250, और ये दो डिजिट के पहले डॉट है, इसीलिए यहाँ पर दो डिजिट के पहले डॉट, तो हमारा आंसर आ गया 2.50। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द वैल्यू 2, यानी यहाँ पर हमें चार पेयर दिए गए हैं, इनमें से किसकी वैल्यू 2 है, दोनों की सेम वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो फ्रैक्शंस दिए ना इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनमें देखिए सभी फ्रैक्शंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब हमें ये परसेंट को सॉल्व करना है और उनमें से किसकी वैल्यू 2 है वो पता करना है, ठीक है। तो पहला देखिए 2%, तो इसका आ जाएगा 2/100, परसेंट की जगह पर 1/100 लिखा मैंने, तो ये आ गया 1/50, तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा कट। दूसरा देखिए 20/100 आएगा, 20/100, तो ये 25 100, मतलब 1/5 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू भी 2 नहीं आई। तीसरा देखिए 200% है, तो 200/100, और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फिर सी, यानी 200% का आंसर भी 2 और ये 6/3 का आंसर भी 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड राइट द रिजल्ट एज अ परसेंटेज, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और उसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में लिखना है। तो सिंप्लीफाई करने से पहले देखिए 3 4 6 8 मल्टीप्लाई 4/17 है,
तो हम क्या करेंगे, या तो आप डायरेक्ट पहले डिवाइड कर दो उसके बाद मल्टीप्लाई करना, वो भी इजी रहेगा। तो देखिए 17 2 ज़ा 34, 6 लिया तो 0 से डिवाइड करेंगे और फिर 17 4 ज़ा 68, और ये मल्टीप्लाई में 4 है। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल जो है वो 4 डिजिट के पहले है, इसीलिए यहाँ पर भी हम 4 डिजिट के पहले डॉट लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, और ये डिजिट। अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो नीचे वाला 100 होता है इसकी जगह पर हम परसेंट का साइन लगा देते हैं और ऊपर वाले 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, सपोज ये आ गया, तो यहाँ पर 4 डिजिट के पहले डॉट है इसीलिए 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर, और इस 1/100 की जगह पर परसेंट, यानी कि 8.16% हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 2.4, इनमें से कौन सा 2.4 के इक्वल नहीं है। तो देखिए हम पहला ऑप्शन सॉल्व करते हैं, तो 2, और इस 2/5 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.4, मतलब इसका आंसर 2.4 है, मतलब हमें कौन सा चीज़ जो इक्वल नहीं है। फिर दो नंबर देखिए 22.5% है, तो परसेंट की जगह पर 1/100 लिखा है। अब इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये डॉट जो है और 2 डिजिट पहले चला जाएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 0.225, मतलब ये जो है ये 2.4 के इक्वल नहीं है। पर फिर भी हम तीसरा भी सॉल्व कर लेते हैं, 12/5 है, इसको आप डिवाइड करोगे तो 2.4 आएगा। और फोर्थ वाला देखिए 2 and 4/10 है, तो इसको हम डायरेक्टली करेंगे, 10 2 ज़ा 20, 20+4, 24/10, 0 हटा दिए, 1 डिजिट के पहले डॉट लगा दिया, मतलब इसका आंसर भी 2.4 है, इसका भी और इसका भी, केवल सेकेंड ऑप्शन जो है उसका 2.4 इस इक्वल नहीं है वो, मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमें चाहिए था। इस प्रकार हमारा असाइनमेंट 12.3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।